सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोहिनीज मेलअप को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहिनी सागर और आपका मेरे चैनल मोहिनीज मेलअप में स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटे आलू फ्राई की रेसिपी। जब भी हमें सुबह सुबह लंच बॉक्स तैयार करना होता है तो उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या नया बनाएं, तो उस समय पे आप बना सकते हैं चटपटे और स्वादिष्ट आलू फ्राई। बहुत इजी, सिंपल और साथ ही साथ लेस टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। आलू फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 छोटे वाले आलू और इसका छिलका हटा के मैंने इसे पानी में करके रखा है ताकि आलू काले ना पड़े। और अब हमें बारी बारी करके आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको आलू को काटना है। आलू के छोटे छोटे पीसेस ही रखने हैं, आलू के बड़े बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आलू को बीच से कट किया है, उसके बाद से मैंने उसके हाफ हिस्से को बीच से काट दिया है और अब हम इसे दोबारा से कट करेंगे। तो इस तरह से हम आलू में 4 टुकड़े करेंगे इस तरह से। दूसरे हिस्से को भी हम काट लेते हैं 4 टुकड़ों में। और अब हमें इसे दोबारा से पानी में डाल देना है ताकि आलू काले ना पड़े। सेम प्रोसेस से हमें सारे आलू को काट लेना है। तो सबसे पहले आलू को आपको बीच से काटना है, उसके बाद हम इसके 2 हिस्से करेंगे और अब हम इसके 4 हिस्से करेंगे इस तरह से। दूसरे को भी हम वैसे ही काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को काट लिया है और ये आखिरी आलू है जिसे मैं काट रही हूँ। तो आलू को आपको क्यूब्स में काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सारे आलू मैंने काट लिए हैं, देख सकते हैं आप, आलू के मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर लेते हैं और पैन में मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। आलू फ्राई को मैं तेल में बनाऊंगी, आप चाहें तो 2 बड़े चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहें तो घी का इस्तेमाल करें या तेल का इस्तेमाल करें। तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे हाई फ्लेम पे। जैसे ही हाई फ्लेम पे तेल गरम हो जाएगा हमें फ्लेम को लो कर देना है और इसमें डाल देना है आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई। तो मैं यहाँ पे महीन वाले राई दाने का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बड़े वाले राई दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 फ्रेश करी पत्ता, मिला देंगे इन तीनों को एक बार अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े लहसुन मैंने यहाँ पे लिए हैं और इसे ग्रेट कर लिया है। इस सब्जी को बनाने के लिए आपको लहसुन को ग्रेट करके ही इस्तेमाल करना है, लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, वरना सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा। और लो फ्लेम पे हम इन्हें आधे मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इन तीनों को लो फ्लेम पे 30 सेकेंड तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू को जो मैंने पानी में करके रखा था उसमें से मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ तड़के में। तो ये मैंने सारे आलू डाल दिए हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आलू को मैंने तड़के में अच्छे से मिला दिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है। मीडियम हाई फ्लेम पे अब हमें इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में हमें इसे चला देना है ताकि जले नहीं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे पैन का, इसे एक बार हम चला देंगे। और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्लेम को लो कर लेना है और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर।
एक चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच आमचूर पाउडर हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इन सबको अच्छे से। आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों में और अब हमें इन्हें लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेना है कवर करके, ताकि आलू अच्छे से गल जाए। 5 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे आलू जो है वो हल्का हल्का गलने लगा है और मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया पत्ता मैं डाल दूंगी इसमें। मिक्स कर लेंगे इन दोनों को अच्छे से और अब हम इसे दोबारा से कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे। उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि हमने आलू के छोटे पीसेस रखे हैं तो आलू आसानी से गल जाता है, इसलिए मैं इसे कवर करके सिर्फ 2 मिनट तक पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, आलू फ्राई बनके तैयार हो चुका है, आलू अच्छे से गल चुका है। तो एक बार मैं इसे चला देती हूँ और अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। चटपटे और स्वादिष्ट आलू फ्राई बनके तैयार हो गया है और अब आप इसे लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठों के साथ या पूरी के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को बना के ट्राई ज़रूर कीजिए और अगर आपको आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल मोहिनी स्मिल हब को, और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो रेलेवेंट लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।